हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसी में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। कह रहे कोई भी कैलकुलेशन मत करो, लेकिन आप ये बताओ कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने डिवीजन मेथड सीखा था तो मैंने आपको उसके अंदर सिखाया था कि कैसे आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप पहले ये पता लगा सकते हो कि वो कितनी डिजिट का नंबर आएगा, है ना, पेयरिंग करके, अगर आपको याद हो तो। चलो वैसे ही करते हैं, हम इसको यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूँ तो फर्स्ट पार्ट में 64 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको पेयरिंग करनी है, पेयर कर दी तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 1 आएगा। पूरा लिख देना, 1 नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो 144 है, पेयरिंग पीछे से होती है हमेशा, एक पेयर दो पेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144, पूरा लिखना है, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो 4489 है, पेयरिंग की पीछे से तो दो पेयर बने, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें तो 27225 है, पीछे से एक पेयर दो पेयर और एक ये सिंगल बचा, तीन पेयर बने हैं, तो इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और अगर हम अपना फिफ्थ वाला पार्ट देखें, एक ही रह गया, देन ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पेयरिंग करें तो एक पेयर दो पेयर तीन पेयर हैं, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 3। तो 3 नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्लियर हुआ, आसान था क्वेश्चन 2। तो ये आपको याद रखना है कि आप बिना कैलकुलेशन के पेयरिंग से बता सकते हो कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इन फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इन डेसिमल नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2.56, पेयर बना दिया, 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 करेंगे, 1 जब 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, ये पूरा पेयर नीचे उतारा, जैसे ही पेयर नीचे उतरा यहाँ पॉइंट लग गया, इसको डबल किया 2 आ गया। अब यहाँ पर चाहिए मुझे ऐसा नंबर, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। देखो लास्ट में 6 है, या तो 4 से करो या फिर 6 से करना, 4 जा 16, 2 जा 8 और 1 9, छोटा आ रहा है, 6 से करो, 6 जा 36, 2 जा 12 और 1 15 आ रहे हैं ना, पूरा ले लो। इसका मतलब 2.56 का स्क्वायर रूट कितना है यहाँ पर, 1.6 है। क्लियर, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। 7.29 है, पेयरिंग कर दी, 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 ही मिलेगा आपको, 2 जा 4, 3 बचा, पेयर नीचे उतारा तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद का पेयर उतारा है, 2 को डबल किया 4 आ गया, 9 है। या तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो या 7 से, क्योंकि उन्हीं के लास्ट में 9 आ पाएगा, है ना, तो पहले 3 से ही कर लेते हैं, 3 जा 9, 3 जा 12, छोटा आ रहा है बहुत, 9 से 7 से करके देखते हैं, 7 जा 49, 7 जा 28 प्लस 4 32, पूरा जा रहा है। इसका मतलब 7.29 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 51.84 है, पेयरिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 51 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको कौन सा मिलेगा, 7 मिल जाएगा, 7 जा 49 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 11 में से 9 गया 2, पेयर नीचे उतारा 84, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 7 का डबल किया 14 आ गया, 4 है। या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 2 जा लास्ट में 4 हो जाएगा, या 8 से करना, 8 जा 64 होता है ना, तो यहीं कर लेते हैं,
टू से कर रूँ पहले, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू पे ही जा रहा है सीधा सीधा। अब तो आ गया होगा आप लोगों को ये लॉन्ग डिवीजन से निकालना, इस डिवीजन मेथड से, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आसान हो जाएगा ये। 7.2 आ गया, ठीक है। तीन पार्ट हो गए, फोर्थ पार्ट पे आओ। 42.25 है, पेयरिंग करते हैं पहले। 42 से छोटा नंबर तो मुझे 6 पे मिलेगा, 6 जा 36 मिल जाएगा। 12 में से 6 किया 6, 25 नीचे उतारा, पॉइंट लगाया, 6 का डबल किया 2 आया। 5 सिर्फ 5 पे ही आ सकता है लास्ट में, और किसी नंबर पे नहीं आता। 5 जा 25, 52 जा 10 और एक 12, 625। इसका मतलब 42.25 का स्क्वायर रूट आ गया 6.5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 31.36, पेयर कर दिए। 31 से छोटा नंबर मुझे 25 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर 5 जा। 11 में से 5 गया 6, 36 नीचे उतारा, पॉइंट लगा दिया। 5 का डबल किया 10 आ गया, 6 चाहिए तो 4 पे जाएगा या 6 पे जाएगा, 6 से करते हैं। 6 जा 36 जा रहे हैं। ऐसे देख लिया करो लास्ट वाले नंबर पे, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े और जल्दी से आंसर आ जाए, ठीक है ना। लास्ट वाले नंबर से पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन से नंबर रखें। हुआ क्लियर? ये था क्वेश्चन 3, कंप्लीट क्वेश्चन 3। दोनों क्वेश्चन आज करा दिए, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करा दूंगी, 2 या 3 क्लास में, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है आप मुझे कमेंट में अभी बता सकते हैं, ताकि उस चैप्टर की वीडियोस भी धीरे धीरे बनती रहें और अपलोड होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन दो क्वेश्चंस के साथ, तब तक ले बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।